सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, आप सभी लोग तो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज तो करते ही होंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप सभी लोग डेबिट कार्ड का नंबर हमेशा कार्ड नंबर जो होता है उसको याद करके रखते होंगे या फिर जो है उसको देख के वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करते समय फिलअप करते होंगे। तो दोस्तों, इन सब झंझटों से आप लोग को छुटकारा मिलने वाला है, मतलब कि आप लोग को कार्ड नंबर याद रखने से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बारे में RBI ने नया नियम जारी किया है। तो दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को इसी नए नियम के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो से। अगर आप लोग को जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर देना। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो आज दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड उसका जो है ऑनलाइन पेमेंट करते समय आप लोगों को जो है कार्ड नंबर जो है याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बारे में RBI ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है जिसके अनुसार अब जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूजर जो है भीम ऐप एप्लीकेशन की तरह इसका यूज कर सकेंगे। जैसे आप लोग भीम ऐप में आप लोग जो है अपना खाता नंबर देने के बजाय जो है केवल एक वर्चुअल ID का इस्तेमाल करना होता है, वैसे ही अब आप लोगों को जो है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड का जो है एक वर्चुअल आईडी आप मतलब कि एक वर्चुअल संख्या आप लोगों को 16 अंकों का 16 डिजिट का जो है वर्चुअल नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, जिसको आप लोग बस आप लोगों को एक बार स्कैन करना होगा, उसके बाद फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार जो है वर्चुअल टोकन जारी होने के बाद इसे बदलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसको सिर्फ जो है वो कस्टमर जो है बदल सकता है, इसके बैंक के अधिकारी भी इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इससे जो है ऑनलाइन पेमेंट में और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और धोखेधड़ी और जो फर्जीवाड़ा का जो मामला ऑनलाइन पेमेंट में आजकल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है और RBI ने जो कि कदम उठाया काफ़ी सराहनीय कदम है, जिससे जो है आने वाले दिनों में जो है ऑनलाइन पेमेंट में होने वाले धोखेधड़ी जो है वो कम होती जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन धोखाधड़ी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक सभी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और वाइट लेवल ATM में ऑपरेटिंग सिस्टम, टर्मिनल सिक्योरिटी और सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश जो है वो तुरंत ही तत्काल प्रभाव से दे दिए गए हैं। RBI के मुताबिक सभी बैंकों को अपने ATM के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जून 2019 तक जो है उसको अपडेट और दुरुस्त कर देना पड़ेगा। ये नियम लागू होने के बाद किसी भी बैंक की ATM से जुड़ी शिकायत पर RBI के नियमानुसार उस पर तुरंत ही कार्रवाई की जा सकती है। ATM को एंटी स्कैनर करने के बाद निश्चित तौर पर ग्राहकों को इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है RBI ने उठाया है और जिससे मैं आप लोग को बता दूं कि जो आने वाले दिनों में ऑनलाइन जो आप लोग दिनों दिन देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा इस समय ऑनलाइन फर्जीवाड़ा का मामला बढ़ता जा रहा है और किसी के ATM से पेमेंट करते वक्त जो है उनका जो है कार्ड नंबर इत्यादि जो है CVV नंबर चुरा लिया जाता है और उनके ATM से पैसे तुरंत ही चोर जो है स्कीमर जो है उड़ा ले जाते हैं। तो इसी सब को देखते हुए RBI ने एक काफ़ी अच्छा नया नियम लागू किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।